हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप। मेरे चैनल को बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए थे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बताने वाला हूँ जो कि इंटर में छात्र जो फेल हुए है उनके लिए बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन यह है कि 5 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरा जाएगा और साथ ही साथ ये बता दें कि बिहार बोर्ड ने मैट्रिक का रिजल्ट घोषित कर दिया है, जो कि 1 सप्ताह बाद आएगा। यानी मान लीजिए 10 अप्रैल के बीच में मैट्रिक का रिजल्ट आएगा। चलिए, यानी 1 सप्ताह बाद आएगा मैट्रिक का रिजल्ट। यानी इस बार ने नतीजे पर क्या कहा बोर्ड अध्यक्ष ने, बोर्ड अध्यक्ष ने बहुत ही खुलासा कर दिया, ये भी बता दिया है कि मैट्रिक का रिजल्ट 10 अप्रैल के बीच में ही आएगा। चलिए, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष चनंद किशोर ने बताया है कि 1 सप्ताह के अंदर मैट्रिक का रिजल्ट आ जाएगा। इस बार मैट्रिक की परीक्षा में 16,60,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। यह भी कहा कि इंटर सप्लीमेंट्री परीक्षा के लिए 5 से 10 अप्रैल के बीच फॉर्म भरा जाएगा। इधर प्रवी के जबरदस्त नतीजे आने के बाद बिहार बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा है कि रिजल्ट बेहतर आने का सबसे बड़ा कारण परीक्षा पैटर्न का बदलाव बना। इसी बता रहा है कि इस साल बहुत अधिक रिजल्ट आया है, क्योंकि पैटर्न से जगह 50% ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे गए थे, और इससे बहुत छात्रों के वो हेल्प मिला है और बहुत छात्र इसी की मदद से निकले हैं। चलिए, मेरे वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। टॉपरों अंकों में बढ़ोतरी हुई, रिजल्ट जारी करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार के रिजल्ट में के बिहार जिला परीक्षा समिति ने कई क्षेत्र में 1-7 स्थापित कर दिए। बिहार बोर्ड देश का पहला ऐसा बोर्ड बन गया जिनके सबसे पहले रिजल्ट घोषित किया। मूल्यांकन शुरू होने का 28 दिन और परीक्षा समाप्त होने के महज 42 दिन रिजल्ट जारी कर दिए। अभी तक इतिहास में ऐसा नहीं हो सकता, अब तक किसी बोर्ड ने ऐसा नहीं किया था। वहीं इस बार इस इंटर के तीनों विषयों का रिजल्ट में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। पिछले साल की तुलना में 27% रिजल्ट बढ़ोतरी हुई। तीनों विषयों में छात्रों की सफलता की बढ़ोतरी हुई। पिछले साल 7 वर्षों में 90% किसी भी टॉपर का रिजल्ट नहीं आया था। इस साल सब टॉपर रिजल्ट थैंक्स वंदे मातरम। आप मेरे चैनल बनाए थे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं न्यूट्रिक के बाद।